ओम वंदे गौ मातर मित्रों। तो चलिए आज आपका स्वागत है आज के ब्लॉग में। आप सभी को प्रणाम वंदन और गुड़ गुड़ की आवाज़। ये है मुंह से जो सांस छूट रही है, नाक से जो सांस छूट रही है उसके मुंह से नहीं, नाक से छूट रही थी और प्रयास किया था कि सांस छूटने की आवाज़ है बुड़ बुड़ बुड़। जब हवा निकलती है ना तो पानी में इसी तरह बुलबुले छूटते हैं। कान में पानी जाने का भय था इसलिए पूरी गर्दन नहीं दिखाई, अन्यथा इच्छा थी कि पूरी गर्दन डुबाऊं, वैसी स्थिति में लग रहा था कान में पानी चला जाएगा। कान में पानी चला गया। वीडियो आपको कट कट करके मिल रहा है क्योंकि क्या है ना, लंबी वीडियो जैसा कि कल बताया था अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। नदी में नौकासन, आप जो वीडियो देख रहे हैं ना मित्रों, मैंने नेचुरल वॉइस ना कट करूं ऐसा प्रयास किया है। जल में नौकासन ये वहां से किया था, फिर घूम के किया। कहा ना आज मैं करीब 1.25 घंटे जितना पानी में थी और उसके बाद मुझे लग आई थी इसलिए निकलना पड़ा था, नहीं तो मैं शायद और रह जाती। उसके बाद याद आया सूर्य नमस्कार आज बाकी है तो फिर सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार का अभ्यास आज बहुत अधिक नहीं किया है। आपने जब ओंकार सुना था ना उस समय आपने देखा हो थोड़ी आवाज़ मेरी काँप रही थी, हाँ थोड़ी ठंडी लग रही थी, जल बहुत ठंडा था नदी का और हवा भी ठंडी चल रही थी, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ आई हूँ अपने शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए। क्योंकि जब नदी में मैं स्नान कर रही थी ना वहाँ मैंने आज प्राणायाम भी किया है। आज मेरा व्यायाम केवल नहीं हुआ है, प्राणायाम भी इस नदी में हुआ है तो बड़ा आनंद आया मुझे। अच्छे से ठीक गए जैसे जल में। हाँ ये थोड़ी काई लगी है, हरा हरा जो होता है ना वो लगा हुआ है किंतु अच्छा लग रहा है। जल में काई होने से फिसलन होती है किंतु मेरे हाथ पैर फिर भी पर्वतासन की स्थिति में स्थिर हो गए थे। और ये जो मैं जैसे अभ्यास कर रही हूँ ना घर की तरह नहीं बता सकती क्योंकि ये सूर्य की दिशा है। समष्टि को प्रणाम, ये सूर्य की दिशा है इसलिए पूर्व सामने है और ये गर्दन नहीं टिका सकती क्योंकि पानी काफ़ी अधिक है। कल जब शाम को इस नदी के तट पर आई थी ना तो ये जो आपको मेरे बगल में पत्थर दिख रहा है ना, मैं इनको ग्राम देवता समझकर प्रणाम कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये कौन है पर जहाँ हम जाते हैं वहाँ के ग्राम देवता या जो भी वहाँ की स्थापना होती है उनकी अनुमति अनिवार्य है। गर्दन नीचे थी ना तो चेहरे पे बाल बाल आ गए थे। अब कल मेरा ऐसा विचार है कि देखूंगी मैं सर को बांध के करूँगी, मतलब एक कपड़ा सर पर बांधूंगी। अपना प्रभाव दिखाता है। हाँ कल कहा था ना कि कदाचित सूर्य को अर्घ दिया कि ये हमारी नित्य क्रिया होती है। सूर्य सामने नहीं दिख रहे हैं पर उदित हो चुके हैं जहाँ तक कि जब तक ये स्थिति आई थी। मैं वैसे 6:15 बजे आ गई थी, उसके बाद मैंने काफ़ी देर पहले खेला था, उसके बाद वीडियो बनाना आरम्भ किया था। ताकि भाई जाने का रास्ता है। हाँ ये जो जहाँ पत्थर वो पीछे रखा है ना वहाँ पर जाने का रास्ता है, ये वह मैं लेटने का प्रयास कर रही थी कि जल में आप अपने आप बीच में अधर में रहते हैं। और थोड़ी देर में लेटी रही, काफ़ी देर लेटी रही यहाँ पे मैं क्योंकि कहा ना वीडियो करीब 1.25 घंटे का बन गया था जाके और उसको मैंने फिर छोटा कट 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 कट। अब एक विचार ये आया आज कि इतना लंबा वीडियो काट के 12, 12:15, 12:30 मिनट पर लाना मतलब बहुत काम होता है इसमें। तो कल से ऐसा करूँगी कि पहले व्यायाम कर लूँ जिसके बाद उसका छोटा वीडियो बनाऊंगी। पानी शुद्ध होता था ना करीब 30-40 साल पहले और वहाँ ऐसे लेटने की स्थिति नहीं थी, तब तो जमुना जी ने हम अरे रहने दे भाई
रहने दे भाई, जा तू आके निकल जा। कुत्ता आ गया बीच में। कैमरे के पास कुत्ता आ गया है, उससे कह रही हूँ। वो जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ से मेरा पीछा कर रहा था, यहाँ भी आ गया है। पता नहीं मेरा सुरक्षा कवच क्या है, पर यहाँ सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। मैं पहाड़ पर जाती हूँ, वहाँ भी कई बार मेरे साथ कुत्ता आ जाता है। फ्रंट साइड में है। बड़ा आनंद है यहाँ। ऐसा लगता है शहरी जीवन को जीवन ही नहीं है। यहाँ जो है ना, धन का अभाव हो सकता है किंतु जीवन का अभाव नहीं है, जीवन के आनंद का अभाव नहीं है। आप स्विमिंग पूल में जाते हो स्विमिंग करने के लिए, उसके बाद एक्स्ट्रा बाथ लेना पड़ता है, ऊपर शरीर काला हो जाएगा, नहीं क्या क्या हो जाएगा। यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। हाँ, यहाँ ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, बस केवल आनंद है। मैं आपको लंबे वीडियो नहीं दे सकती, पर यहाँ मुझे आप घंटे भर भी लेटा लो ना, मैं लेटी रहूँगी और मैं ऐसे ही रहूँगी। काफ़ी देर लेटने के बाद आप सोचा थोड़ा व्यायाम कर लिया जाए, जो हम करते हैं। मेरे हाथ अभी सही नहीं है, फटे हुए हैं। मैंने कल कहाँ व्यायाम किया था, मुझे वहीं आना पड़ेगा। ये बाकी जगह का पता नहीं पानी कितना गहरा है भाई। यहाँ तो आज हाँ पानी जल स्तर आज अधिक है। आज जल स्तर जो है ना वो कल से अधिक है, इसलिए यहाँ मिली जगह यहाँ है। जगह कल मैं यहाँ थी। थोड़ा हम अपने हाथ पैरों को चलाते हैं जल में। जो हम पानी में होते हैं ना, यदि हम पैरों को थोड़ा उठा देना, बस अपने आप को ऊपर उठ जाते हैं। मेरे हाथ यहाँ टेके हुए हैं, बस उसी से पैर हवा में हैं। व्यायाम सारे वही करने हैं, कुछ नया नहीं करना है। पर हाँ, क्रिया बदल जाती है, विधि बदल जाती है, स्थान के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। आप देख सकते हैं मेरी आवाज थोड़ी कांप रही है। कोई भी क्रिया बड़ी सहजता से करनी चाहिए। जल्दबाजी में कई बार हम काम बिगाड़ लेते हैं। चाहे से ही बात करती हूँ, व्यायाम या किसी भी काम कभी जल्दबाजी मत करिए। मुझे अच्छे से याद है जब मैं बड़ौदा में साबुन में रहती थी ना, हम होली के बाद अक्सर स्नान करने महिसागर नदी है वहाँ पे, पोईचा करके एक जगह है जो बड़ौदा वाले जानते हैं। पोईचा करके एक नदी जगह है, गांव है, वहाँ पे महिसागर नदी बहती है। आपने एक गरबा सुना होगा, हमारे महिसागर ने आरे ढोल वागे थे। तो हम वहाँ जाते थे, और वहाँ जब हम जाते थे ना तो पानी में हम लोग 2-3 घंटे रुकते थे और बहुत थक जाते थे, क्योंकि वो साल में 2-3 बार से ज़्यादा हम जाते ही नहीं थे। पर हाँ, तब प्राणायाम भी नहीं पता था। इस बात को हो गए करीब 30 वर्ष, मेरे विवाह से पहले की बात। किंतु यहाँ तो 1 घंटा और रोज का होगा, और अब प्राणायाम भी है ना, इसलिए अब पीड़ा नहीं होगी। ये मुझे पता है, कल नहीं पता था, पर पीड़ा नहीं, उससे आज पता चल गया। इस वक्त देखते हो कितने घंटे मैं पानी में रहती हूँ, बाद में आपको बताऊंगी कि हाँ भाई कि वीडियो कितने देर का बना, उससे पता चल जाएगा कितनी देर में पानी में रहती हूँ। हाँ हाँ, मेरे पास दूसरी घड़ी नहीं, आप देख सकते, और यहाँ मेरे साथ कोई और भी नहीं है। आज डुबकी लगाना भूल गई।
टुटकी लगा के मैं क्या करती हूँ, पैर उठा देती हूँ तो अपने आप शरीर ऊपर आ जाता है। पैर देखती हूँ नीचे टेक के रखती हूँ क्या होता है। नहीं रहा जाता इससे ज़्यादा मेरे से, वो अपने आप ऊपर उठ जाती हूँ मैं। मुझे डुबकी लगाना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है डुबकी लगाने में। ये सही रहा। एक सांस में इतनी डुबकी मैंने फिर बाद में लगाई सारी की सारी। एक एक दिन लग रही है। अब देखती हूँ, प्रयास करूँगी फिर से एक साथ में लगाने का कल। फिर मैंने वहीं प्राणायाम भी किया था, मैंने आपको जैसा कि आरंभ में बताया था मैंने इस नदी में ही प्राणायाम किया, थोड़ा यहाँ किया, फिर बाद में बैठ के प्राणायाम किया, फिर बाद में बैठ के भी किया था। और इसमें लास्ट में आपको ओमकार सुनाई देगा, मैं कांप रही हूँ, ठंडी बहुत लग रही है, लेकिन हाथ पैर में खुजली नहीं आई थी इसलिए मेरा निकलने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अति तो होती जब हाथ पैर में खुजली आ जाती जो नहीं आ रही थी, इसलिए बस बाद में कुछ और हो गया। मतलब सुबह पेट साफ करने के लिए पानी पीती हूँ ना, वो ज़्यादा था तो फिर उसके लिए निकलना पड़ा। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। क्योंकि जब ये वीडियो बना रही थी ना तब ये स्थिति नहीं थी और काटकूट में कुछ चीज़ें निकल रही हैं। काफ़ी देर तक मैं ओंकार करती रही थी क्योंकि पानी में थी तो मुझे गर्मी बढ़ने का भय नहीं था। आशा है आज का गायन आपको अच्छा लगेगा, आप पानी में कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। वंदे मातरम।